तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हार्डवेयर नेटवर्किंग में जल्दी जॉब मिलती है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जल्दी जॉब मिलती है, सॉफ्टवेयर लाइन में जल्दी जॉब मिलती है। तो बेसिकली इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, सो ये वीडियो लास्ट तक का जरूर देखें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों मैं सीधी और सिंपल वे में कहूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा ओपिनियन है, वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो मैं बात करूँ हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, नो कोडिंग, नो प्रोग्रामिंग, डायरेक्ट एक तरीके से रट्टा सब्जेक्ट, थोड़ा इसी माइंड की यूज वहाँ पे और सब चीज़ों से बन के मिल जाता है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। यहीं पर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो कोडिंग भी, प्रोग्रामिंग भी, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को भी, लाइक बहुत बुक्स, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कितनी भी पढ़ लोगे ना प्रोग्रामिंग में तब भी कम पड़ जाएगी। और हार्डवेयर नेटवर्किंग में क्या है, जो हम लोग ज़्यादातर बचपन से यूज़ करते चले आ रहे हैं, बेसिकली वो गैजेट्स मिलते हैं आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग में, और आप चाहो तो रट्टा मार के भी इसका इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर मैं वहीं पर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर लाइन की, तो इसमें बेसिकली क्या है, आप प्रोग्रामिंग तो रट्टा मार नहीं सकते, डॉट, कॉलन, हैच, इंक्लूड, स्टूडियो वगैरह, ये तो रट्टा मारना पॉसिबल है ही नहीं। एक एक दो दो पेज के आप कैसे वहाँ पे उसे रट्टा मारोगे, लेकिन हार्डवेयर नेटवर्क में आप जल्दी से रट्टा मार लोगे। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इसमें हायरिंग प्रोसेस की, तो हार्डवेयर नेटवर्किंग में क्या है, आप अगर इंटरव्यूअर के सामने बैठो तो जो वर्बली हो सकते हैं वही सारे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ वहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक पहले टेस्ट भी देने को वहाँ पर मिलता है, लाइक कि आपको एक पेज मिलेगा, उस पर कोडिंग लिखी होगी कि इसका आप प्रोग्राम बना के दिखाओ, इसकी आप कोडिंग करके दिखाओ। जबकि हार्डवेयर नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता है, इसमें आपको थोड़ा सा इजीली जॉब मिल जाती है। अब मैं बात करूं अगर सैलरी की, तो जी हाँ दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है हार्डवेयर नेटवर्किंग में सैलरी कम है एज अ स्टार्टिंग करियर, सॉफ्टवेयर लाइन में सैलरी थोड़ी सी अच्छी है एज अ स्टार्टिंग करियर। लेकिन हार्डवेयर नेटवर्किंग बाद जब आप कहीं मूव करते हो, लाइक जो अदर टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या AWS क्लाउड, या Azure क्लाउड, गूगल क्लाउड, कोई भी क्लाउड की टेक्नोलॉजी पर अगर आप मूव करते हो, या किसी भी सीनियर प्रोफाइल पर, तो इनकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है आफ्टर द एक्सपीरियंस। और सेम वैसे ही है सॉफ्टवेयर में, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, सी पढ़ा, फिर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, या जितनी भी टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, PHP, MySQL वगैरह, जो भी चाहो आप कर सकते हो, और इनकी भी सैलरी अच्छी खासी होती रहती है। अब अगर मैं बात करूँ वर्क एनवायरनमेंट की, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो हार्डवेयर नेटवर्किंग का है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स जॉब करने के लिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली सिस्टम पे नहीं बैठना होता है। लेकिन अगर आपकी सॉफ्टवेयर लाइन की जॉब है, अगर 8 घंटे का आपका जॉब है, तो आपको 8 घंटे बराबर कोडिंग करना पड़ेगा उस ऑफिस में रह के। लेकिन इसमें क्या है, आपको कुछ मेल वगैरह के रिप्लाई देने हैं, जाके लैपटॉप और जो डेस्कटॉप वगैरह होते हैं उनकी टेबल शूटिंग करनी है, मेल्स पे रिप्लाई देना है, बाकी घूमो फिरो कुछ भी करो, बस उनका काम होना चाहिए, सीधा सा मतलब ये होता है। अगर मैं बात करूँ अब दोस्तों यहाँ पे वर्क प्रेशर की, तो वर्क प्रेशर लगभग दोनों में होता है, क्योंकि बस यह है कि IT में जो हार्डवेयर नेटवर्किंग का है उसमें थोड़ा सा कम टाइम के लिए प्रेशर होता है, लाइक किसी का इशू आया और उसे ऑन स्पॉट रिजॉल्व करना है, तो लाइक 10 मिनट, 15 और 20 मिनट, या हो जाता है कभी कभी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के लिए प्रेशर में काम करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो इसमें एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर नेटवर्किंग कुछ ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट आया है, जब तक वो कम्प्लीट नहीं हो जाता, 10 दिन 15 दिन 20 दिन कितना भी लग जाए, तो एक तरीके से वो प्रेशर में ही काम करना पड़ता है, उतनी कोडिंग देनी पड़ती है उनको, क्योंकि उन्होंने तो प्रोजेक्ट ले लिया है और उस प्रोजेक्ट पे उन्होंने डेडलाइन दे रखी है, तो इस वजह से लगभग प्रेशर दोनों जॉब पे ही होता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कॉमेंट या क्वेरी है, तो नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए, तो इंस्टाग्राम की ID नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वहाँ पर ऑन स्पॉट रिप्लाई दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।